दोस्तों श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्राई की कथा को सुनकर लौंग और कपूर के बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक और काफ़ी शक्तिशाली उपाय हैं। दोस्तों इन उपायों को करने से आपके घर की जो गरीबी होती है वो दूर हो जाती है, साथ ही आपको जीवन में संकटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों देखिए मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्राई के अनुसार कई बार जीवन में हमसे अनगिनत परीक्षाएं लेता है, इतने कष्ट देता है कि हम टूट जाते हैं। दोस्तों पूज्य गुरुजी के अनुसार क्या टूट जाना सही है या फिर उनसे बाहर निकलने के लिए कोई उपाय करना जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के उपाय बता रहे हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे। विशेष रूप से इनका प्रयोग मंगलवार को किया जाना चाहिए, लेकिन शनिवार को भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा खाने और तांत्रिक विद्याओं में भी होता है। अगर आपको अपने आप को बदलने की चाहत है या अपने सपनों को पूरा करने की चाहत है तो लौंग का छोटा सा प्रयोग आपके सपनों को पूरा करेगा। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप ये प्रयोग जरूर कीजिए। तो दोस्तों आगे उपायों को जानने से पहले आप सभी से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी महादेव पूरी कर दें। दोस्तों देखिए कई बार ऐसा होता है कि अपने भी शत्रुता निकलते हैं, ऑफिस में शत्रु बढ़ गए हैं या आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर शत्रु बढ़ गए हैं, तो ऐसा क्या करें कि वे आपके शत्रु ना बने, उनकी बुद्धि घूम जाए? इसके लिए दोस्तों पूज्य गुरुजी ने उपाय बताया शत्रु के लिए लौंग का उपाय। इसका प्रयोग ऐसी जगह पर करें जहाँ पर आपको कोई भी रोके टोके नहीं। घर की बालकनी में कर सकते हैं या खुली जगह पर भी आप इसे कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ में आपको 7 लौंग को रखना है। इसके बाद अपने शत्रु का नाम लेना है और फिर हाथ पर आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आप 21 बार करें। इसके बाद कपूर या फिर किसी कागज पर इन लौंगों को रखकर जला दें। ध्यान रखें कि कोई भी घर में आपको टोके नहीं। इसके बाद अगले दिन इसकी राख को घर से बाहर मिट्टी में दबा दीजिए। दोस्तों ये उपाय आपको 3 मंगलवार तक लगातार करना होगा। आपको परिणाम हाथों हाथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी काम में आपको असफलता मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप मंगलवार के दिन 1 नींबू में 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके बाद नींबू में 4 लौंगों को चारों दिशाओं में लगा दें और हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। 1 से 2 मिनट के बाद उसे उठाकर अपनी जेब में रख लें और वहाँ से अपने घर चले आएँ। फिर दोस्तों आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जब सफलता मिल जाए तो इसे आप किसी मिट्टी में दबा दें या बहते हुए पानी में फेंक दें। इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो ऐसे में आपको अपने घर में प्रतिदिन कपूर के साथ लौंग को जलाना चाहिए और इसके धुएं को पूरे घर में दिखाना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से पारिवारिक कलेश से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बढ़ता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला लें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा आप 5 कौड़ियाँ और 5 लौंग लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाने के बाद अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए लौंग और कपूर के ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी महादेव पूरी कर दें।